अभी से देख लो, ये मशीन को देख लो, इसे बोलते हैं टी बार मशीन। आपने बहुत बार यूज किया लेकिन इस मशीन का नाम आपको मालूम नहीं होगा, क्योंकि ये मशीन मोस्टली क्या होता है, देखो आपको सिर्फ ये प्लेट यहाँ पे रखना होता है, यहाँ पे आपको सिर्फ सोना होता है यहाँ पे, एंड आपको ऐसा करना है, ये मशीन ऐसा वर्क करता है। तो हमें लाइट्स को ट्रेन करने के लिए होता है लैटिसिमस डॉर्सी को, ये जो मसल्स इसे लैट्स बोलते हैं, एंड साइंटिफिक नेम है लैटिसिमस डॉर्सी। ये ट्रेन करने के लिए इस मशीन का नाम है टी बार। अब ये देखो, मोस्टली हमारे वर्कआउट में हम लोग जिम ट्रेनर्स भी बोलते हैं जा सीटेड रो मार, लेकिन कभी क्वेश्चन करते हैं सीटेड रो मशीन का मशीन किधर है सीटेड रो, और कौन सी मशीन सीटेड रो है। तो ये देखो, सीटेड रो में भी ये दो टाइप के मशीन होते हैं। देखो ये यहाँ पे जो होल्ड करने के लिए होगा, हमें सिर्फ ऐसा होल्ड करना है एंड ऐसा बैठना है हमें, ऐसा पुल करना है हमारे पास, तो इसे सीटेड रो बोलते हैं। एंड यहाँ पे भी ये सीटेड रो ही है। अभी हमारा ये देखो सीटेड, ये मशीन सीटेड रो कैसा होता है, लाइक हमें यहाँ पे होल्ड करना होता है, हमें ऐसा बैठना होता है, एंड हम लोग यूनिलैटरल भी मारते हैं एंड दोनों एक साथ भी मार सकते हैं या फिर सिंगल भी मार सकते हैं। हम लोग यहाँ पे होल्ड करना है एंड ऐसे मारते हैं। ये भी लैट्स को ट्रेन करने के लिए होता है। ये देखो ये सीटेड रोइंग मशीन, ये दोनों को सीटेड रोइंग मशीन बोलते हैं, सीटेड रोविंग मशीन या फिर सीटेड रो। और ये देखो, ये सब जिम में होता है। यहाँ पे हम लोग बाइसेप कर्ल मारते हैं या फिर पुश डाउन पुली पुश डाउन मारते हैं, हम लोग बाइसेप ट्रेन करते हैं, ट्राइसेप ट्रेन करते हैं, यहाँ पे हम लोग ऐसे बाइसेप्स मारते हैं यहाँ पे। तो ये केबल्स एंड पुलिस बोलते हैं इसे। ये देखो, ये केबल्स है, ये पुलिस है, इसलिए केबल्स एंड पुलिस। यहाँ पे क्रॉस ओवर भी क्यों बोला गया, यहाँ पे दो है। हम लोग ये चेस्ट को मारने के लिए हम लोग क्रॉस ऐसा पकड़ते हैं, ये क्रॉस ओवर मारते हैं। अगर यही हम लोग यही एक्सरसाइज अगर नीचे से करें तो इस एक्सरसाइज का नाम होता है स्कूप, SCOOP। अगर ये एक्सरसाइज नीचे से मारे चेस्ट के तो ये स्कूप है, ऊपर से मारे तो क्रॉस ओवर है। और ये इस मशीन का नाम है केबल एंड पुलिस। और ये भी देखो, इसे बोला गया है मल्टी पुली मशीन। मल्टी पुली मशीन क्यों, देखो यहाँ पे देखो, हम लोग यहाँ पे लैट पुल डाउन मार सकते हैं, ये लैट पुल डाउन इसे बोलते हैं, ये मार सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देखो दूसरा लैट पुल डाउन मार सकते हैं, यहाँ पे हम लोग बेंच प्रेस, यहाँ पे सीटेड रो कर सकते हैं हम लोग, ये सीटेड रो। मतलब ये मल्टी फंक्शनल है, यहाँ पे अलग अलग एक ही मशीन में अलग अलग एक्सरसाइज और अलग अलग बॉडी पार्ट्स को हम लोग ट्रेन करते हैं, इसलिए बोला गया इसे मल्टी पुली मशीन। ये मोस्टली हाई फाई जिम्स में होता है क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होता है मल्टी पुली मशीन। नेक्स्ट देखो, इसे बोलते हैं फोर स्टेशन इंटीग्रेटेड फिटनेस। फोर स्टेशन, फोर नाम, फोर नंबर है, इसका मतलब फोर जगह पे इसका अलग अलग ये है, तो हम लोग फोर अलग अलग ट्रेन कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग चेस्ट ट्रेन कर सकते हैं, इंक्लाइन डिक्लाइन जो भी है वहां पे ट्रेन कर सकते हैं, जैसे लैट पुल डाउन है। यहाँ पे हम लोग शोल्डर, यहाँ पे चेस्ट प्रेस भी है, हम लोग शोल्डर ट्रेन कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे भी अलग अलग मसल्स को हम लोग ट्रेन कर सकते हैं। ये भी बहुत मोस्टली कॉस्टली होता है, मोस्टली हाई फाई जिम्स में अवेलेबल होता है। इसका नाम है फोर स्टेशन इंटीग्रेटेड फिटनेस इक्विपमेंट। अभी नेक्स्ट देखो, यहाँ से अभी देखो ऐप क्रंच मशीन। ये मोस्टली हम लोग नॉर्मली जिम में एप्स की मशीन नहीं होते, हम लोग तो इसलिए नीचे जमीन पे लेट के एप्स मारते, लेकिन मोस्टली एप्स के मशीन अवेलेबल होते हैं बड़े बड़े जिम्स में, इसे बोलते हैं ऐप क्रंच मशीन, ऐप क्रंच मशीन। अभी नेक्स्ट देखो, ये मोस्टली सब जिम्स में होता है लेकिन नाम नहीं मालूम। हाँ, इसका फंक्शन मालूम है हमको, यहाँ पे सिर्फ जॉग करना होता है। तो ये ट्रेडमिल है, याद रखना इस मशीन का नाम ट्रेडमिल है। ये आप बोलोगे ये क्या है, ये सब जिम में अवेलेबल नहीं होता मोस्टली, मैंने सिर्फ थोड़े थोड़े जिम में ही देखा है इसे। इसे बोलते हैं स्टेयर मिल। ये स्टेयर ऑटोमेटिकली ऊपर जाता है और हमें सिर्फ ये ऐसे हम लोग ट्रेन कर रहे हैं, ऐसे ऊपर ऊपर, जैसे हम लोग नॉर्मली स्टेप्स में चढ़ते हैं तो ये भी स्टेप्स ऐसे नीचे नीचे जाता है और हमें सिर्फ ऊपर ऊपर चढ़ना होता है। यहाँ पे मीटर होता है कि हमने कितने हाइट तक अचीव किया, कितना स्टेप्स हम लोग ने ऊपर किया, हम लोग ने कितना स्टेप्स हम लोग ने स्टेप अप किया है, इसे बोलते हैं स्टेयर मिल। अभी ये भी सब जिम में अवेलेबल होता है। जब हम कार्डियो ट्रेन करते हैं, जब कार्डियो एंड जब एब्स ट्रेन करना होता है, हमारा जब कार्डियो डे होता है तब हम ये स्पाइन बाइक यूज करते हैं। स्पाइन बाइक क्या होता है, सिर्फ हमें पकड़ना है एंड ये हम लोग नॉर्मल बाइक ऐसे चलाते हैं, लेकिन स्पाइन बाइक हमें ऐसा चलाना होता है, ऐसा पूरा झुकना होता है एंड ये पैंडल करना होता है, तो ये स्पाइन बाइक नाम है इसका। ये एलिप्टिकल, अब ये मशीन को देख लेना, इसे बोलते हैं एलिप्टिकल। इसका मूवमेंट ऐसे ऐसे होता है एलिप्टिकल। जब हम लोग लेग, जब एलिप्टिकल का जब हम लोग मूवमेंट करते हैं तो एलिप्टिकल का मूवमेंट ऐसा होता है, ये एक अंडे जैसा शेप बन जाता है, लेकिन एक चपटा अंडे के जैसा शेप बनता है इसका। एलिप्टिकल का मूवमेंट ऐसा होता है, ये एलिप्टिकल का मशीन है। और ये ARC आर्क ट्रेनर बोलते हैं। ये एलिप्टिकल का मूवमेंट मैंने कैसे बताया, ये एलिप्टिकल का एक अंडे जैसा, चपटे अंडे के जैसा।